था वो आप देख सकते हैं भाई। लॉन्च डायग्नोसिस में बेसिक सेटिंग नहीं हो रहा है भाई। बेसिक सेटिंग होता है, सब गाड़ी का आप नहीं कर सकते, कोई कोई गाड़ी का होता है। कोई कोई गाड़ी के लिए आपको ओरिजिनल ओडीसी लगाना पड़ता है। मैं तो लॉन्च से ही मारता हूँ, अभी तक मैं 7 स्पीड 6 स्पीड का मारा हूँ तो वो मैं बताया हूँ। मैं ओडी का भी मारा हूँ, नहीं बताया कोई वीडियो में बता दूंगा। और भी गाड़ी का जो मारता हूँ सबका ना अलग अलग एक कोड होता है, सबको परमिशन देना पड़ता है। ऐसे आप डायरेक्ट बेसिक सेटिंग नहीं मार सकते हो। तो मैं ऑलरेडी बेसिक सेटिंग का वीडियो बना चुका हूँ। लॉन्च से बेसिक सेटिंग होता है, 6 स्पीड का भी होता है और 7 स्पीड का भी होता है। और ज्यादातर अगर आप ओडी से करेंगे तो और बेहतर है। तो उससे होता है, ऐसा नहीं नहीं होता, मेरा ऑलरेडी वीडियो है। तो ये भी भाई साहब का ये कंफ्यूजन दूर। और दूसरा जो कमेंट था, ये मैं डुअल कलर डाला था उस पर, बोले भाई मतलब गाड़ी में झटका रहता है तो मेगाट्रॉनिक भी डालना पड़ता है। जाहिर सी बात डालना पड़ता है, डाला जाता है, लेकिन कैसा अगर उसका प्रॉब्लम रहे तो। अब मेरे गाड़ी में क्लच का प्रॉब्लम है तो मैं सिर्फ क्लच ही डालूंगा ना यार, मेगाट्रॉनिक क्यों डालूंगा, कस्टमर का खर्चा मैं क्यों बढ़ाऊंगा। और मेरे पास जो भी आते हैं सब गैराज वाले आते हैं, कस्टमर भी आते हैं गैराज वाले भी आते हैं। तो क्लच का इशू है तो मैं क्लच ही डालूंगा, मेगाट्रॉनिक नहीं डालूंगा भाई, मेरा ऐसा है। और मेगाट्रॉनिक का इशू रहेगा तो मैं मेगाट्रॉनिक ही डालूंगा, मैं क्लच नहीं डालता, मैं दोनों नहीं डालता। प्रॉब्लम एक में ही आता है, या तो क्लच में आता है या फिर मेगाट्रॉनिक में आता है। मेगाट्रॉनिक में रहता है उसको मैं बनाता हूँ, रिपेयर करता हूँ, और क्लच में रहता है कोशिश करता हूँ कई बार वही जूने को ही सेटिंग करके देने की। और इनकेस नहीं होता तो मैं नया डालता हूँ। तो जैसे कि वो वीडियो मैं ब्रांड न्यू डाला था तो उसमें मैं मेगाट्रॉनिक नहीं डाला था, वो गाड़ी काफी झटका था, बहुत झटका था, डी में डालते ही धड़ करके बंद हो जाती थी। मैं क्लच डाला, मेरा प्रॉब्लम जो भी था उसमें सॉल्व हो गया। तो ऐसा नहीं है कि क्लच डालो तो वो भी डालो, मेगाट्रॉनिक भी डालो या मेगाट्रॉनिक डालो तो क्लच भी डालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डालने वाले डालते हैं, सबका अपना अपना है डायग्नोसिस का और काम करने का तरीका। तो एक लास्ट कमेंट और रह गया कि भाई ये गाड़ी का मेगाट्रॉनिक बनाने खर्चा कितना जाएगा। तो मैं मेरा बताता हूँ, 20,000 से लेके 60,000 तक भी जाता है। वो मेगाट्रॉनिक के प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, बहुत से लोग फोन करते हैं ये हो गया वो हो गया ऐसा वैसा, मतलब कितना जाएगा। तो मैं एक ही चीज बताता हूँ और मैं ये वीडियो के जरिए भी बता देता हूँ, कभी भी अगर आप मेरे पास मेगाट्रॉनिक के लिए फोन करें ना तो डायरेक्ट फोन ना करें, सबसे पहले आप मुझे फोल कोड भेजें। अगर आप मुझे फोल कोड भेजेंगे तो ही मैं रिप्लाई करूंगा, तो ही मैं जवाब दूंगा, आंसर दूंगा, नहीं तो वरना मैं नहीं दूंगा। क्योंकि बिना फोल कोड के मैं नहीं दे सकता ना। अभी प्रॉब्लम आपके क्लच में, आप मुझसे मेगाट्रॉनिक बोल रहे हो, बाद में आपका क्लच निकले तो वहां रॉन्ग मैं साबित हो जाता हूँ। तो इसीलिए मैं तो पहले किसी को जल्दी, अगर बिना स्कैनिंग रिपोर्ट के कोई मुझे कुछ भी मैसेज करता है मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। इसीलिए कि तुम पहले रिपोर्ट तो भेजो। कई बार रहता है बहुत से भाई लोगों के इंजेक्टर में प्रॉब्लम रहता है, वो गियर के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ तो रिपोर्ट में क्या उसमें मालूम पड़ेगा कि स्कैनिंग में ये बता रहा है, हाँ भाई गियर का या फिर इंजन का है, मेगाट्रॉनिक का या फिर क्लच का है। तो मैं यही बोलूंगा कि कभी भी अगर आप मेरे पास फोन करें तो सबसे पहले आप स्कैनिंग रिपोर्ट भेजें, स्कैनिंग का फोल कोड भेजें, तभी आप बोले। नहीं फिर कैसा है, मैं भी बोल दूंगा हाँ आपका मेगाट्रॉनिक खराब है, आप मेगाट्रॉनिक डालोगे, आपका काम हो या ना हो वो फिर आपका पैसा वेस्ट जाएगा। तो बस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और देखो तीसरा कमेंट जो है ये भाई साहब का है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या मालूम ये भाई पूरी वीडियो देखे कि नहीं देखे इनके, अब क्या मालूम पूरा वीडियो देखे या आधा वीडियो देख के बोलते हैं कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या रॉन्ग है वो मुझे बता दो। बात है बेसिक सेटिंग की तो हमेशा बेसिक सेटिंग नहीं की जाती है, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। कई बार रहता है अगर गाड़ी आपकी ओके परफेक्ट चल रही है तो बेसिक सेटिंग मारने की छेड़ने की कोई जरूरत नहीं। कई बार होता है कि आप बेसिक सेटिंग मारते हो, बेसिक सेटिंग सक्सेसफुल नहीं होता, फेलियर होने की वजह से गाड़ी में झटका आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ हो चुका है। तो मैं बताता हूँ, ये मैं बहुत मेजर एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, करने वाला नहीं था लेकिन कर रहा हूँ। हाँ तो देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आपको उतना नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, तो आप गलत कमेंट मत करो।